दिन दहाड़े ये चोर यूको बैंक के काउंटर से उड़ा ले गए 3 लाख रुपए से भरा बैग। खबर शिवपुरी जिले के बैराड थाना क्षेत्र से है। दरअसल मामला बैराड थाना क्षेत्र के यूको बैंक का है। दिन दहाड़े चोर यूको बैंक के काउंटर से उड़ा ले गए 3 लाख रुपए से भरा बैग, जहां आज चोरों के हौसले बुलंद हुए हैं। ना किसी का डर ना किसी का भय, बेखौफ अज्ञात चोरों ने यूको बैंक के काउंटर से दिन दहाड़े ही 3 लाख रुपए से भरा बैग नाबालिग बच्चे का सहारा लेकर उड़ा ले गए। व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब मैं यूको बैंक में पैसे निकालने के लिए गया, मुझे 3,75,000 रुपये निकालने थे। पहले मैंने 3 लाखों रुपये निकाल कर काउंटर में रख दिए, इसके बाद 75,000 और निकालने लगा। उसी समय किसी अज्ञात चोर ने नाबालिग बच्चे का सहारा लेकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारियों ने एकत्रित होकर पत्रकारों की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि बैराड़ में चोरी होने का मुख्य कारण उसमें नशा, जिस पर पुलिस प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है और बैराड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में ही छूट गई और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी, मगर खबर लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं लगा। अब आगे देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस चोरी में यूको बैंक की घोर लापरवाही है। यूको बैंक बैराड़ में मैनेजर के द्वारा कई दलाल खड़े कर रखे हैं, जिससे भीड़ लगी रहती है। ना किसी चोर का आने का पता चलता है, ना किसी कस्टमर का। यूको बैंक बैराड़ में ये पहली चोरी नहीं है। इससे पहले कई बार चोर चोरियों को अंजाम दे चुके हैं, फिर भी यूको बैंक के कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। क्या इसी तरह गरीब और व्यापारी लूटते रहेंगे? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, बैंक के आला अधिकारी या फिर पुलिस प्रशासन? बैराड से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे बेटा आपको? यहाँ पर सुबह के कड़े हैं, अभी काट नहीं बन रहा, इसलिए मशीन है ज्यादा से ज्यादा। मतलब मशीन कम है यहाँ पे? आप लोग क्या चाहते हैं, मशीनें ज्यादा होनी चाहिए? तो आप कितने दिन से आ रही है आधार कार्ड? 7 दिन से आ रहे हैं। आधार कार्ड नहीं बन पा रहे आपके? हमारे पास पिताजी भी नहीं, हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, इसलिए आ रहे हैं। क्या समस्या आ रही है, कुछ मामला क्या है? समस्या ये है कि बच्चों के आधार कार्ड है, उनमें सुधार करवाना है, और क्या है पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ पर भारी। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें रखी जाए, जिससे क्या है कि जनता को परेशानी ना आए, या बाजार में जो भी ऑनलाइन दुकानें हैं उन दुकानों की साइड पर चालू कर दिया जाए। कितनी मशीनें लगी हुई हैं? मैं 20-25। तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम ये चाहते हैं यहाँ पर ज्यादा 8 मशीनें रखी जाए, कम से कम 8-10 मशीनें तो होना चाहिए। कुल कितने लोगों की भीड़ होगी यहाँ पर? भीड़ तो कम से कम 500 से ऊपर ही लोग होंगे। अच्छा, तो कितने आधार कार्ड बनवाते हैं एक दिन में? एक दिन में 20 आधार कार्ड बनवाते हैं। आप ये लोक सेवा केंद्र पर कैसे करें, क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको? 7 बजे के बैठे हैं, कुछ सुनवाई नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? आधार कार्ड। तो दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? दिक्कत जी आ रही है, काम वाले आदमी मजदूर आदमी मजदूरी को टाइम तो खड़े गए, फिर वही मजदूरी को 4-4 बार फिर गई। हम 14-15 तारीख तक का नंबर दे दिया। 14 तारीख को नंबर लगा, चाहे कोई परेशान आदमी हो चाहे ना हो, कोई चाहे कोई के पास आदमी हो चाहे ना हो, चाहे चार लड़की ना लेकर खड़े हैं। हम क्या मांगे आप लोगों की यहाँ पे? मशीन होगी, मतलब जितनी मशीन हो तो उतनी ज्यादा सुविधा होगी लोगों की। तो जो लोक सेवा केंद्र में लोगों की समस्या है कि आधार कार्ड बनाने की एक ही मशीन है यहाँ पे, जिसके कारण 20 से 25 ही आधार कार्ड बन पाते हैं। लोगों की मांग है कि आधार कार्ड बनाने की मशीन यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए सर, ऐसा है कि मैं एक ऑपरेटर हूँ, तो मैं एक ही मशीन को चला सकता हूँ, बाद बाकी कोई और ऑपरेटर करके ये मशीन चालू करवा सकते हैं और वो राय दे सकते हैं लोगों को। तो जनता की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा? जनता की समस्या का समाधान तो इसी प्रकार होगा, जैसे और मशीनें चालू हो जाती हैं पहले की तरह, जैसे पहले 3-4 मशीनें हुआ करती थी, एक साथ बन जाते थे लोगों के आधार कार्ड। आज एक मशीन होती है और काम ज़्यादा हो गया है। पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होता है, अपलोड करना होता है, उसके बाद में तुम्हारा ये सबमिट हो पाता है, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं लगभग एक आधार कार्ड। तो इस कारण से 20 से 25 हो पाते हैं, और इस तरीके से लोग बाग एक ही दिन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम लोगों को लौटाना नहीं चाहते हैं और नंबर लगा लेते हैं कि भाई तुम्हारा जितनी तारीख में नंबर है 14 में है, 15 में है, 20 लोगों का, 25 लोगों का, तो एक एक आदमी के 3-3-4-4 आधार कार्ड बनने होते हैं। तो इस तरीके से 25-30 हो जाते हैं, लगभग 35 भी हो जाते हैं किसी दिन, इस तरीके से बनते हैं। क्या नाम है आपका? पीपी सिंह रावत। आप लोक सेवा केंद्र पर कैसे करें, आप लोगों की क्या समस्या? समस्या आधार कार्ड बनवाने। तो
वो दिक्कत क्या आ रही है आपको यहाँ? लाइन लगा रहे हैं सवेरे से, सात बजे के खड़े हैं यहाँ पर। इसका कोई कारण है? कारण ये है, यहाँ पर मशीनें और जरूरत है। अच्छा, एक हजार आदमी सुबह से संजय तक चक्कर लगाते हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं होती है। सामने वाला क्या करे, 25 आधार कार्ड बनते हैं एक दिन में। तो नंबर वंबर का सिस्टम है यहाँ पर? नंबर आज दे दिया है, 7 बजे आज आए हम 7 तारीख में, अब 14 तारीख का नंबर दे दिया है। 14 तारीख में आएंगे, 14 तारीख के बाद फिर नंबर देंगे, जब जाके होगा। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ? हम ये चाहते हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगाई जाएँ यहाँ पर, या सब लोग परेशान हैं, या तो फिर ऑनलाइन जितनी भी दुकानें हैं उन पर साइड दी जाए, पब्लिक परेशान ना हो। नीलमा की तो बहुत